स्थूल देह को भूलकर स्थित हो जाए अपने स्वस्वरूप में, अपने स्वधर्म में, आत्म अभिमानी स्थिति मन में अब बस स्वदेश की स्मृति, परम धाम निवासी शिव पिता की स्मृति, विश्व कल्याण के अपने श्रेष्ठ कर्तव्य की स्मृति, अपने प्यारे खुदा दोस्त के साथ विश्व की सैर करने का संकल्प मन में आते ही मैं अशरीरी होकर निराकार ज्योति बिंदु आत्मा बन अपने निराकार खुदा दोस्त का दिल से आवाहन करता हूं। मेरे दिल की आवाज पहुंचते ही स्वयं निराकार शिव परमात्मा, मेरे खुदा दोस्त, अपनी निराकारी दुनिया परम धाम छोड़ फरिश्तों की दुनिया सूक्ष्म लोक में पहुंचकर अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में विराजमान होकर नीचे साकार वतन आकर मेरे सामने उपस्थित हो जाते हैं। और अपना वरदानी हाथ जैसे ही मेरे मस्तक पर रखते हैं, उनकी लाइट माइट से इस साकारी शरीर से अति सूक्ष्म लाइट का फरिश्ता स्वरूप इमर्ज होकर बाहर निकल आता है। अपने लाइट के सूक्ष्म आकारी शरीर को धारण किए अब मैं फरिश्ता अपने खुदा दोस्त के साथ चल पड़ता हूं विश्व भ्रमण पर। अपनी मन की बातें
अपने दिलाराम दोस्त के साथ करते करते प्रकृति के खूबसूरत नजारों का आनंद लेते लेते मैं सारे विश्व का चक्कर लगा रहा हूं। प्रकृति के सुंदर नजारों का आनंद लेने के साथ साथ विश्व में हो रही दुखदायी घटनाओं को भी मैं देख रहा हूं। कहीं प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली तबाही, कहीं अकाल मृत्यु, तो कहीं तेजी से फैलती हुई असाध्य बीमारियों से होने वाले समूह रूप में मृत्यु, कहीं गृह युद्ध, तो कहीं विकारों की अग्नि में जल रही तड़पती हुई आत्माएं, इन सभी दुखी प्यासी आत्माओं की पुकार के आलाप सुन रहा हूं। तड़पती हुई थकी हुई आत्माओं के अनाथ मुखड़े देख रहा हूं। वे सभी आत्माएं गति सदगति की आश में अनेक जन्मों से अनेक प्रकार के साधन करते करते थकी हुई है। सभी तड़पती थकी हुई प्यासी आत्माएं मुझ श्रेष्ठ फरिश्ते का आवाहन कर रही है। और मुझ फरिश्ते से अपने जन्म जन्म की आशाएं पूर्ण करने का दान मांग रही है।
मेरे खुदा दोस्त, बाप दादा मुझे स्मृति दिला रहे हैं कि तुम ही खुदाई खिदमतगार हो। सच्चे सल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें ही सबको शांति की सल्वेशन देनी है। इन सभी दुखी, तड़पती हुई, थकी हुई प्यासी आत्माओं की प्यास बुझानी है। सबको गति सदगति प्राप्त करानी है। इस दुखों से भरी दुनिया को सुख की नगरी बनानी है। अब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान फरिश्ता खुदाई खिदमतगार बन बाबा से प्राप्त सर्व शक्तियों को पूरे विश्व में प्रवाहित कर रहा हूं। मेरे दोनों नयनों से बहुत तेज लाइट और माइट निकलकर विश्व के ग्लोब पर पड़ रही है। इस लाइट माइंड को प्राप्त कर सभी आत्माएं दुख, अशांति और पीड़ाओं से मुक्त हो रही है। मेरी नजरों से निहाल हो रही है। मैं खुदाई खिदमतगार फरिश्ता अपने नयनों की ईश्वरीय खुमारी से सारे विश्व की खिदमत कर रहा हूं। अनेक आत्माओं की निर्वाण धाम
मुक्ति धाम जाने की गति सदगति की आश पूरी कराने के मैं निमित्त बनता हूं। इन आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मैं बाप द्वारा दिलाता हूं। इन सभी आत्माओं को अपने घर और अपने राज्य स्वर्ग के गेट में जाने की पास देने के मैं निमित्त बनता हूं। देखते ही देखते पूरा विश्व एक बहिष्ट बन गया है। अब मैं देख रहा हूं माया रावण की दुखों से भरी दुनिया के स्थान पर अपरंपार सुखों से भरपूर सोने की एक खूबसूरत दुनिया। मैं खो जाता हूं उन स्वर्गिक सुखों में। मैं स्वयं को विश्व महाराजन के रूप में देख रहा हूं। हीरे जवाहरातों से सजे महल, प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवताओं की अति मन भावन इस दुनिया में, राजा हो या प्रजा, असीम सुख शांति और संपन्नता से भरपूर है। चारों ओर आनंद ही आनंद है, खुशियां ही खुशियां है।